गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास, क्लास 6 हिंदी, चैप्टर नंबर 2 और पार्ट का नाम है बचपन, और इसकी लेखिका है कृष्णा सोवती। इनके कृष्णा सोवती ने अपने बारे में इसमें बताया है कि मेरा बचपन पहले कैसा था और अब मैं तुम्हारी नानी दादी मौसी के जैसी लगती हूँ, उनकी जैसी आप मुझे महसूस कर सकते हैं और मुझे सभी जीजी कह करके पुकारते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी और बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, यानी वो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। जिस तरह अभी अगर 2020 चल रहा है तो उनको लग रहा है कि भाई मैं 2019 की जैसे थी पहले और अब मैं ऐसी लगती हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं और पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ और नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और मैं इन कलरों को सभी को पसंद करती थी और मैं तरह तरह की पोशाकें पहनती हूँ, पहनी है मैंने। पहले मैं फ्रॉक, फिर निकर और बाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब मैं चूड़ीदार और घेरदार ही कुर्ते पहनती हूँ। पहले वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनती थी और अब वो सिर्फ चूड़ीदार और घेरदार ही कुर्ते पहनती हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो अपने बचपन की बात बता रही है इसमें सभी को कि हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक और नीचे गुलाबी रंग की फिल, यानी उसमें नीचे गुलाबी रंग की जो लेस होती थी वो लगी हुई थी। वो अपनी उसकी फ्रॉक के बारे में उन्होंने बताया है कि मैं इस तरह की कपड़े पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी पहले जब वो फ्रॉक पहनती थी तो उन फ्रॉकों में अंदर पॉकेट हुआ करता था और उन पॉकेट में वो लोग रुमाल और आदि कोई भी सामान रखने के लिए उसको काम में लेती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, जो ट्यूनिक भी याद है, और एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी और दूसरे ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, और वो लेमन कलर का यानी प्लेटों वाला जो फ्रॉक पहनती थी उस फ्रॉक में उनमें लेमन कलर और आदि सभी उसमें इस तरह के कलर हुआ करते थे और वो उन कलरों को ही इस तरह से वो चॉकलेट रंग और अंदर की कोटी उनकी जो थी जो वो प्याजी कलर की होती थी उसके बारे में वो अब इसमें दूसरे पेज में मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। और बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे और इसकी सख्त मनाही ही थी। यानी जो वो मोजे थी और वो जो उन नौकरानियों को धोने के लिए नहीं देते थे और वो खुद के मोजे अपने खुद ही धोती थी और इस बात के लिए उनके परिवार के अंदर सख्ती थी कि इस काम को सभी अपने आप करेंगे।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते लगाते धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते और पॉलिश को चमक उभरने लगी लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं और कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं और हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। यानी वो लोग पहले जो जूते पहनते थे तो उन जूतों से उनके पैरों में छाले हो जाते थे, तो वो इसलिए वो अपने जूतों में पहले से ही और रुई लगा करके ही उस जूते का इलाज कर लेते थे और वो उनपे पॉलिश करके पहना करते थे। लेकिन आजकल जो जूते आते हैं वो इस तरह के आते हैं, आरामदायक, उनमें कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते और जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। अगर जूता चुभने लगता था तो पहले हम लोग मोजे में ही रुई डाल लिया करते थे जिससे हमको जूते से छाले नहीं होते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो कुछ फर्क हो चुका है और आज जो तुम्हारा बचपन है और जो हमारा पहले जो बचपन था उसमें बहुत फर्क है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल का कैस्टर ऑयल पीना पड़ता और यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती और छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े हुए थे और उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी उनका मन खराब होने लग जाता कि अब हमको ऑयल पीना है, उससे पहले ही उनका जी खराब होने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा को तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन भी दिलचस्पियों भी बदल गई हैं। यानी जितनी आज़ादी से पहले अब जो बचपन है बच्चों का वो पहले ऐसा नहीं था। वहाँ परिवार में जिस तरह से रखा जाता था वैसे ही रहना पड़ता था। अगला पेज, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे और हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है और सेतुस और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। पहले ग्रामोफोन जो चलते थे, ये पहले जमाने में रेडियो को भी उनका चलन था और टेलीविजन नहीं थे। और आज पहले जो बचपन था उसमें वहाँ पहले सभी लोग कुल्फी वगैरह खाया करते थे, लेकिन आजकल तरह तरह की आइसक्रीम बच्चे खाते हैं और समोसे कचौड़ी पेटीज में ये जो खाते हैं ये सब कुछ पहले नहीं होता था ये सब खान पान। और पहले के जो लोग थे वो सैतूत फालसे वगैरह फल वगैरह खाया करते थे, लेकिन आजकल के लोग पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। उन दिनों शिमला और नई दिल्ली, उन दिनों कोक नहीं लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। और अब भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था और एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। यानी जो हम वहां पर जब जाते थे तो वहाँ तरह तरह की काउंटर पर चॉकलेट और उनकी पेस्ट्री और उनकी खुशबू से हमारा मन
इच्छा होने लगती थी, मतलब हमारा मन भाने लग जाता था कि हमको भी ये खाना चाहिए। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी हम जब चॉकलेट वगैरह खा सकते तो एक ही दिन हम खा सकते थे। ज्यादा सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता और मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर के खाती। उन्होंने आइसक्रीम चॉकलेट के बारे में बताया है कि मेरे को कैसे चॉकलेट खाना अच्छा लगता था। वो चॉकलेट लेकर के घर ले जाती और जब खाना वाना खा करके जब वो सोती थी तब उस टाइम पर वो बिस्तर पर लेट के मजे से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी, रसभरी और कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। और चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई उन पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है और नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। और एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार चना झोल गरम। और ये चना झोल गरम का गाना भी फिल्म के अंदर था। और हम जब वो चने और अनार के दाने जब वो हम खाते थे वहाँ बाजार में लेकर के, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी लगते थे और उसको खाने का मजा ही अलग होता था। चना कुछ बच्चे दिनों स्कूल हर बच्चे को आता था, मतलब ये जो गाना था स्कूल में सभी बच्चों को आता था। और कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं और घोड़ों की सवारी की है और शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी एक मौका मिल ही जाता। अगला पेज, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। और ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत और उनकी बात भी कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके गीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और गुलाबी सुनहरी धारियां नीली आसमान पर फैल रही हैं और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी और रिस पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडर पॉइंट की भीड़ से उबरता कोलाहल। और जब वहां पर वो लोग घूमने के लिए जाते थे तो रंग बिरंगे गुब्बारे और वहां का जो पहाड़, वहां की जो चर्च की जो घंटियां बजती थी और उनकी गूंज से बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वहां पर वो जो उनके जो भगवान है, यीशु है, जो वहां पर वो स्वयं आ गए हो जैसे। और जब शाम ढल जाती थी, सूर्य अस्त हो जाता था, जो वो गुलाबी सुनहरी जो धारियां हैं वो नीले आसमान में फैल रही दिखाई देती थी और दूर दूर तक पहाड़ों पर ऐसे मुखड़े गहराने लगते थे। और देखते देखते जैसे लाइट जब जलती थी शाम होते ही तो ऐसा लगता था जैसे बत्तियां टिमटिमा कर ही बहुत ही सुंदर लगती थी। और
वहां पर रौनक और वहां की जो दुकानें हैं सब शाम होते ही उनकी जो चमक है वो अलग ही दिखती थी और स्कैंडर पॉइंट की भीड़ से वो उबरता हुआ यानी जो कोलाहल जो वहाँ भीड़ होती थी उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जो स्क्रीन पॉइंट था उसके सामने वहां पर एक दुकान हुआ करती थी और उसके ऊपर जो चित्र बना हुआ था उस शोरूम पर वो कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और वो बहुत ही उसमें अच्छी तरह से डिब्बे का और उनका सभी का सीन बहुत ही सुंदर जैसा लगता था जैसे कोई स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और बहुत ही अच्छा लगता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे और दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर यह देखो और वह गायब और उसी स्पीड भी ही इतनी तेज लगती कि हाँ गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और भी ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती और वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा और छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती और कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी उसको जो चश्मा लगा उसके लिए उसको बताया गया कि अगर कुछ दूध वगैरह आप लोगी तो ये आपकी जो तकलीफ है वो जल्दी से दूर हो जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ और जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है। यानी जो चश्मा उन्होंने लगाया चेहरे पर उसको देख करके उसके भाई ने उसको देख करके कुछ शब्द बोले कि देखो वह कैसी लग रही है। अगला पेज, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की और यह नहीं कि लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा ना लगा। यानी उन्होंने जो चश्मा चेहरे पे लगा रखा था तो उसके लिए लड़कियों ने बोला कि सूरत बड़ी लंगूर की यानी लंगूर के ऊपर उदाहरण दिया और मैं खिजी यानी मैं चिढ़ गई और उन्होंने उसको वापस से दोहरा करके मुझे बोला और मुझे वो शेर बुरा तो नहीं लगा लेकिन उन्होंने जो कहा वो सही कहा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी और फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही सूरत बड़ी लंगूर की, नन्नी नन्नी नहीं 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 हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। जब भी बात थी अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है और याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ और मैंने कई रंगों की जमा कर ली है और कहा कि दुपट्टों का ओढ़ना
और कहां सहज सेल सुविधे वाली हिमाचली टोपियां, यानी वो जो कश्मीर की जो जगह है उसके लिए वो बता रही है कि वहां किस तरह की टोपी पहन करके और किस तरह से किस रंग को पहन किस रंग मैंने कई रंगों की मतलब उन टोपियों को इकट्ठा करके अलग अलग तरह के दुपट्टे ओढ़ करके मैंने अपने आप को हिमाचल की जैसे यानी वहां की जैसे मैंने अपने आप को बनाया। पाठ बचपन के पाठ का सार इस तरह से है कि जो कृष्णा सोबती है उन्होंने अपने बचपन की सारी बातों को बताया है और अभी वो अपनी दादी मौसी और बुआ की उम्र की हैं और सभी लोग उनको जीजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने पहनने का मैं किस तरह के पहले जो बचपन में किस तरह के मैं कपड़े पहनती थी और अब मैं किस तरह का पहनना पसंद करती हूँ और मैं कैसे किस तरह का खाना जिस तरह से पहले लोग आइसक्रीम खाया करते थे लेकिन अब आजकल वो कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी वगैरह लोग पी करके शौक करते हैं और किस तरह के खान पान पसंद करते हैं। पहले लोग अपना काम स्वयं करते थे लेकिन आजकल खुद काम नहीं करके बच्चे दूसरों से काम कराना पसंद करते हैं और उनके जब चश्मा लग गया तो उनको कईयों ने उनको टोका और उनको अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि मैंने चश्मा लगा करके उन्होंने बार बार उतार के देखा और पहना वो अब मुझे इन सब चीजों की मुझे आदत हो गई है और वो अब किस तरह के कपड़े पहनती हैं और किस तरह का पहनावा पसंद करती हैं और किस तरह का खाना अच्छा लगता है उनको, उन्होंने वो सारी अपनी जो जीवन में जो उन्होंने समय बिताया उसके बारे में इस पाठ के अंदर है। पाठ दो बचपन, इसके प्रश्न उत्तर हैं संस्मरण से। प्रश्न नंबर वन, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी और फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। क्वेश्चन नंबर टू, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इसका उत्तर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इसका पॉइंट है वन, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह यानी रेडियो टेलीविजन नहीं चलते थे और कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पॉइंट नंबर टू, पहले कुल्फी होती थी यानी पहले लोग कुल्फी खाते थे और अब लोग उसी को ही आइसक्रीम हो गई है यानी उसी को आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी समोसे अब पेटीज में बदल गया है। पॉइंट नंबर थ्री, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसी चीजें उपयोग में लेते हैं और उनके समय में लोग नहीं कोक नहीं लेमनेड और बिम्टो मिलती थी।